नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार में 23 तक कोल्ड डे हुआ जारी। बिहार में ठंड का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 23 तक बिहार के कोल्ड वेव की चपेट में रहने की संभावना जताई गई है। सोमवार की सुबह से कोहरे का कहर भी सभी जिलों में दिख रहा है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मंगलवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जबकि बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ठंड की खतरनाक स्थिति की ओर अग्रसर होना है, जबकि येलो अलर्ट ठंड को लेकर सतर्क रहने के लिए जारी किया जाता है। नेपाल संसद भंग करने के खिलाफ बिहार के सीमावर्ती इलाके में आंदोलन हुआ शुरू। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में नेपाल संसद भंग करने के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है, जिसको लेकर उत्तर बिहार की सीमा से सटे नेपाली जिला मुख्यालयों में सोमवार को लगातार दूसरे दिन जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग करने की सिफारिश के बाद उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई है। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और एकीकृत माओवादी लेनिनवादी से आए पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का खेमा संसद भंग करने के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू कर चुका है। 15 तक होगी शिक्षकों की नियुक्ति। बिहार के प्रारंभिक विद्यालय में 15 जनवरी तक 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के स्तर पर हर दिन की जाएगी। इसके लिए पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने सोमवार को शिक्षक नियोजन संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने इस नियोजन इकाई को तय समय सीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रंजीत कुमार सिंह के मुताबिक यदि किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक नियुक्ति संबंधी कार्रवाई को पूरा करने में लापरवाही बरती गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मेधा सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी ससमय प्रारंभ कराई जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को मेधा सूची प्रकाशन एवं NIC के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने पर शुरू हुआ काम। बिहार की नवगठित सरकार ने अपने 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 20 लाख रोजगार के तहत सरकारी पदों का प्रस्ताव जहां सभी विभाग तैयार करेंगे, वहीं गैर सरकारी पदों के सृजन के लिए सरकार एक नया विभाग भी बनाएगी। राज्य में बनने वाले नए विभाग का नाम स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए विभाग का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब मुख्यमंत्री के समक्ष उसका प्रेजेंटेशन होगा। इसके साथ ही गैर सरकारी पदों का सृजन और उनकी स्क्रीनिंग होगी। नए विभाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और श्रम संसाधन विभाग के कुछ हिस्से समाहित किए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत तकनीकी प्रशिक्षण तक का कार्य विभाग से होगा, जबकि स्नातक से ऊपरी क्लास के तकनीकी प्रशिक्षण पूर्व की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से ही होंगे। 3 न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर लगी मुहर। निचली अदालत के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर मुहर लग गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। सेवा से बर्खास्त किए गए 3 न्यायाधीश समस्त सेवाएं, बकाए और अन्य लाभों से वंचित रहने वाले हैं। मामला 6 साल से चल रहा था, जिन न्यायिक अधिकारियों की बर्खास्तगी की अधिसूचना जारी हुई है उनमें समस्तीपुर परिवार न्यायालय के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश हरिनिवास गुप्ता, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अररिया जितेंद्र नाथ सिंह और अररिया के अवर न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोमल राम का नाम शामिल है। इनकी बर्खास्तगी 12 फरवरी 2014 से ही प्रभावी होगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह और प्रेम शंकर झा की। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु थे। इसके साथ ही वो योद्धा, कवि और दार्शनिक भी थे। जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में बदलने से मना करने के लिए सिर कलम कर दिया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह को औपचारिक रूप से 9 साल की उम्र में सिखों के नेता के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं प्रेम शंकर का जन्म आज ही के दिन 22 दिसंबर 1938 को हुआ था। प्रेम शंकर एक भारतीय अर्थशास्त्री, पत्रकार और लेखक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक और भारत के प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार के रूप में काम किया है। बिहार में बैंकों के कर्ज देने की इस रफ्तार में हुई कमी। बीते दिन राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में बिहार में बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार पर चर्चा हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार यानी कि एनुअल क्रेडिट प्लान पहले 35.17% थी, जो कि अब घटकर 33.39% हो गई है। राज्यों के बैंकों का जमा रेट अनुपात भी महज 43.11% है, जो बेहतर नहीं कहा जा सकता है। राज्य में कुल 32 में 18 बैंक कर्ज देने के मामले में औसत से भी पीछे हैं। इनका सीडी रेशियो राज्य के औसत सीडी रेशियो से भी कम है। वहीं 38 में से 30 जिले ऐसे हैं जो कर्ज देने के मामले में औसत से पीछे चल रहे हैं। वहीं इन आंकड़ों के सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे निराशाजनक बताते हुए बैंकों को अधिक से अधिक कर देने का निर्देश दिया है।
कोरोना माहौल के बीच खुला बोधगया का महाबोधि मंदिर। कोरोना माहौल के बीच बोधगया के महाबोधि मंदिर को खोल दिया गया है। हालांकि कोरोना के कारण यह मंदिर काफी लंबे समय से बंद पड़ा था। विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को भी लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। कई महीने बंद रहने के बाद सोमवार को यह मंदिर आखिरकार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद अब यह मंदिर हर दिन सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। स्थानीय लोगों की माने तो बोधगया में यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में धर्मावलंबी यहां पहुंचते हैं। मंदिर खोलने को लेकर हालांकि गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में करण जौहर की तरफ से जवाब हुआ दाखिल। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में दाखिल पुनरीक्षणवाद यानी कि रिविजन पिटिशन में आयोजित फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की तरफ से राकेश मालवीय के कोर्ट में सोमवार को जवाब दाखिल कर दिया गया है। जवाब उनके अधिवक्ता ने दाखिल किया है। इसके पहले बीते शनिवार को फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली, एकता कपूर, गुलशन कुमार, साजुत नाडियावाल, दिनेश विजन सहित 5 आरोपियों की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था। वहीं आरोपी अभिनेता सलमान खान की तरफ से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका है। शनिवार को उनके अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मोहलत मांगी है। उनके जवाब पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी। कांग्रेस में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने के लिए राजद को बताया जिम्मेदार। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही आ गए हों, मगर अभी भी विचार विमर्श हारी हुई सीटों पर चल रहा है। इसी क्रम में अब कांग्रेस ने अपने निशाने पर राजद को लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कांग्रेस के कई पदाधिकारी और पूर्व प्रत्याशियों ने राज्य में महागठबंधन की सरकार नहीं बनने का ठीकरा राजद पर फोड़ा है। कांग्रेस नेता शशिकांत तिवारी, शकील उर रहमान, कमल देव नारायण समेत अन्य नेताओं ने बयान जारी कर कहा है कि चुनाव के दौरान राजद ने मनमाने तरीके से सीटों का बंटवारा किया। सहयोगियों से इस बारे में कोई राय विचार नहीं किया गया। कांग्रेस की कई सिटिंग सीटें अन्य सहयोगी दलों को दे दी गई। पिछले चुनाव में कांग्रेस जहां दूसरे नंबर पर रही, वहीं इस बार अन्य सहयोगी दल को वो सीटें दे दी गई। यदि सीट बंटवारे में राजद ईमानदार होता तो प्रदेश में आज महागठबंधन की सरकार होती। अब डूबे खेत में भी अंकुरित होंगे धान के बीज। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विज्ञानी बिना हवा के धान के बीजों की अंकुरित कराने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही किसानों को धान की इस नई किस्म का फायदा मिलने लगेगा। कई बार धान की बुआई के बाद अत्यधिक बारिश के कारण खेतों में पानी जम जाता है और इस कारण हवा खेतों के अंदर नहीं जा पाती है और बीज सड़ जाते हैं। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर आर के सुहाने कहते हैं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा बगैर हवा के लंबे समय से धान का अंकुरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही धान के बीजों में एनारोबिक कंडीशन वाली जीन क्रॉस कर प्रयोग किए जा रहे हैं। यह काफी हद तक सफलता की ओर अग्रसर है। कड़ी सुरक्षा के बीच शहाबुद्दीन ने की अपने परिवार वालों से मुलाकात। राजधानी दिल्ली में सलाखों के पीछे बंद बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन ने अपने परिवार वालों से मुलाकात की है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 घंटे के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति मिली थी। कोर्ट ने कहा था कि 6-6 घंटे के लिए पूर्व सांसद दिल्ली में कहीं भी मुलाकात कर सकते हैं। कोर्ट ने पूर्व सांसद को सिवान भेजने के लिए दिल्ली और बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी, लेकिन दोनों ने सुरक्षा देने से हाथ खड़े कर दिए। कहा कि शहाबुद्दीन को पैरोल पर सिवान भेजने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नई दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित ताज इनक्लेव के एक फ्लैट में पूर्व सांसद ने सोमवार, बुधवार और शनिवार को परिजनों से मुलाकात की। फ्लैट सिवान के ही उनके एक करीबी का था। सुष्मिता सेन ने अपनी बेटियों के साथ मस्ती करते हुए शेयर की तस्वीर। अभिनेत्री सुष्मिता सेन अपने बॉयफ्रेंड रोहमान शॉल और अपनी दोनों बेटियां रेनी और अलीसा के साथ क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए दुबई गई हुई हैं, जिसके बाद सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटियों के साथ 2 तस्वीरों को साझा किया है। तस्वीरें शेयर करते हुए सुष्मिता ने लिखा है कि सब कुछ पॉसिबल है जब तक हम उम्मीद नहीं हारते हैं। हमारी खुशियों को कोई भी दबा नहीं सकता है। आप सभी को ढेर सारा प्यार, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुझे भी नहीं मानने दिया। लव यू दोस्तों, शुक्रिया। इस पोस्ट पर रोहमान शॉल ने कमेंट करके कहा है, माई लाइफ लाइन्स। सिडनी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद थर्ड टेस्ट के वेन्यू में हो सकता है बदलाव। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गवास्कर सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का पहला मैच एडलेड में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर
से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है और तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है। तीसरे टेस्ट मैच को भी अब मेलबर्न में कराए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिडनी में अचानक से कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हार की समीक्षा में जुटे तेजस्वी यादव आए एक्शन मोड में। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दोनों हार की समीक्षा में जुट गए हैं। वहीं अब तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों और जिलाध्यक्षों से हार के कारणों की लिखित रिपोर्ट की मांग की है। तेजस्वी ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अब पहले वाली कोई बात नहीं है, भीतरघात करने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से बाहर निकालने की बात भी कही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।